आप इधर ध्यान दो, क्योंकि ये खुशी की गवाही है, खुदा ने ब्लेस किया है, आशीष दी है, वो महान है, वो आनंदित रखने का वादा करता है, वो हमें जीवन देने का वादा करता है, हमें खुश रखने का वादा करता है। इस खुशी के लिए, आनंद के लिए तारीफ करो परमेश्वर की एक बार, जोर से जोर से जोर से जोर से ऊंचा, हालेलुया। इधर को करो, लोगों को भी दिखाओ ना, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, सुनो, इस गवाही में बहुत सारे पॉइंट हैं। इस गवाही में एक बड़ा खुदा की सामर्थ का प्रमाण है, इस गवाही में याद रखना। चलो मैं बताता हूं खुद जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं इस गवाही को जानता हूं। सबसे पहले ये जो लड़का है चिट्टे सूट वाला, ये बच्चा दूसरे को दे दो। आपकी पत्नी कौन है? आगे ले लो, ये इनकी पत्नी है, ठीक है। और ये जो व्हाइट सूट वाला लड़का है, ये इतने नशे करता था, इतने ज्यादा नशे करता था। कोई बताएगा मुझे कितने नशे करता था? खुद बताएगा? ये बताएगा खुद कि यहां कोई तेरे बारे में बताए? कब से जानसी कब से नशे करते थे तुम? मैं 2012 से शुरू हो गया सी। अच्छा, ते 2017 तक बहुत नशा किया है। की नशा कर दी? जो भी होता है कुछ भी नहीं छोड़ता है, पूरा लथपथ, सुबह तो लेकर रात तक। हाँ जी, नशा ही नशा, नशे नशा, घर नहीं पड़ता है मेरे, रात दिन। आप सोच सकते हैं इतना नशा, और इन लोगों, इनके घर घर वालों ने समझाया, कई चीजें की, लेकिन नशा करने वाला किसी की बात थोड़ी मानता है। जब ये प्रभु में आए, ये लोग, इस परिवार के मेंबर, फिर उन्होंने समझाना बंद कर दिया और किसके पास जाना शुरू कर दिया? परमेश्वर के पास जाना शुरू कर दिया। और एक बार इसको नशे से ना दौरे पड़ने लगे, ये ऊंची जगह पे जाएगा तो इसको चक्कर आएगा और दौरा पड़ेगा और गिर जाएगा। एक बार ये गिरा, ऊपर था छत के ऊपर, बाहर गली में, इसका पूरा सर फट गया। लोगों ने कहा ये अंबली मर जाएगा, ऐसे कहा लोगों ने, तब भी ये बच गया। उसके बाद ये फिर ऊपर था कोठे के ऊपर, और कोठे के ऊपर से ही ऊपरले छत से दूसरी छत पे गिरा, फिर दोबारा, और इसके अंदर खून भर गया। और ये जैसे आप समझते ना क्या हो जाता है, जिसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसे कोमा में चले गया, ऐसे तड़फता है, चीजें ऐसे मार रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा। फिर इसे हॉस्पिटल में लेकर गए, और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स ने इनको इमीजिएटली बोला, इतने पैसे जमा कराओ, इसका ऑपरेशन करना है। एक तो इसके अंदर ब्लड है, और दूसरा इसका जो दिमाग है अंदर से अपनी जगह से खिसक चुका है, हिल चुका है, साइड पे उड़ चुका है। तो इतने पैसे जल्दी जल्दी से जमा कराओ, तो ऑपरेशन करना है। तो ये मुझसे आकर बात करने लगे भी, ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आपके पास पैसे हैं इतने? कहते नहीं। तो फिर मैंने बोला, अगर नहीं है तो फिर क्या करना है? कहते जो परमेश्वर का वचन है हम पूरा करने के लिए तैयार है। तो मैंने बस ऐसे बोल दिया, जाओ फिर, जरूरत नहीं, हो चुका है सब कुछ ठीक। और सुनो इधर देखो, ये धन्यवाद करने लगे, उस वचन में बने रहे। 2-3 दिन तक डॉक्टर इनसे पैसे मांगते रहे। उन्हें फिर लगा इनके पास शायद पैसे नहीं है, बहुत गरीब है ये। उन्होंने इनको सलाह दी कि तुम लोग अनपढ़ और अनपढ़ लोग हो, अजीब लोग हो, 8 दिन तक तुम्हारे सामने इसकी डेथ हो जाएगी। 8 दिन तक, कितने? 8 दिन तक तो इसकी डेथ हो जाएगी इस बीमारी से जो इसके अंदर है। हम सलाह देते हैं इसको, ऐसा करो सरकारी हॉस्पिटल, गुरु नानक हॉस्पिटल सरकारी में ले जाओ, ताकि थोड़े पैसे में इसका ऑपरेट जरूर करा लो। ये इसको लेकर घर आ गई और विश्वास में बनी रही, बनी रही। और कम विश्वास वाले, आप बुद्धिमान लोग जिन्होंने प्रभु को भी नहीं जाना, वो कभी भी ना ऐसा करें।
क्योंकि बहुत सारे लोग रीस करते हैं लेकिन प्रभु को पूरी तरह से मन नहीं देते, संसार से रिश्ता नहीं तोड़ते। पहले संसार से डिस्कनेक्ट हो जाओ और पूरी तरह से मरना और जीने के लिए प्रभु में तैयार हो जाओ, फिर आप करोगे तो प्रकट हो सकता है, ऐसे फिर हो सकता है। इन्होंने ऐसे ही किया, अब आपके सामने ही अच्छा भला। इसका सारा नशा छुड़ाया परमेश्वर ने और इस लड़की से शादी करवाई, और फिर ये लड़की को इतनी ब्लीडिंग आती थी कि ट्रीटमेंट के बाद भी रुकती नहीं थी, और डॉक्टर्स बोलते थे ये मां नहीं बन सकती, इसको बेबी कंसीव हो, लेकिन जो डॉक्टर्स बोले, संसार बोले कि नहीं हो सकता, उसे कौन कर सकता है, और कर दिया परमेश्वर ने। इनके हाथ में बेटा है और इस बेटे की गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, हालेलुया, धन्यवाद करो इस गवाही के लिए, ताकि आपको पता चले परमेश्वर क्या कर सकता है, उसकी कैसी सामर्थ है, वो कितना ताकत का परमेश्वर है, हालेलुया, आमेन। गॉड ब्लेस यू, बने रहना, परमेश्वर आपके साथ है। लाओ इस बच्चे पर प्रार्थना करें ताकि खुदा के कामों के लिए बढ़े। जम सीखे इस बच्चे को मैं ब्लेस करता हूं लंबी उम्र के लिए, अच्छे जीवन के लिए, जैसे जैसे बढ़े खुदा के वचन में बढ़े, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करे, सुसमाचार प्रचार करने वाला बने, माता पिता का आज्ञाकारी बने। आपकी प्रेजेंस में इस बच्चे को ब्लेस करता हूं खुदा, जो मैंने वर्ड्स बोले वो पूरे हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन। बहुत गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे चुके हैं, आमेन, हालेलुया।